हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में स्क्रीन टाइम आउट है तो स्क्रीन टाइम आउट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही जो आपकी फ़ोन सेटिंग्स है आपके फ़ोन में इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में स्क्रीन टाइम आउट है तो स्क्रीन टाइम आउट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं और टाइमिंग को स्क्रीन ऑफ टाइमिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली आपको सर्च करना है स्क्रीन टाइम आउट। तो सर्च करते ही स्क्रीन टाइम आउट ऑप्शन आपका शो हो जाएगा जिसको हमने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर ये हाईलाइट भी हो रहा है तो आपको इस पर टैप करना है। टैप करते ही ऑप्शन आपका ओपन जाएगा। तो यहाँ से आप स्क्रीन टाइम आउट की टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। आप 5 मिनट करते हैं तो जो आपकी स्क्रीन है 5 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, 2 मिनट करते हैं तो 2 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्क्रीन टाइम आउट को चेंज कर सकते हैं। सर्चिंग सेटिंग पे जाकर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप फ़ोन सेटिंग्स पे जाकर भी स्क्रीन टाइम आउट को चेंज कर पाएंगे। जैसे आपके फ़ोन की सेटिंग्स शो हो रही हैं तो आपको इसमें जाना होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग पे जाकर भी स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग्स को आप सेट कर पाएंगे। यहाँ से टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, 30 सेकंड, 1 मिनट या 15 सेकंड पे क्लिक करते हैं तो 15 सेकंड के अंदर जो आपकी स्क्रीन है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं 15 सेकंड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। आप देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली 15 सेकंड के अंदर बंद हो गई है। तो थैंक यू, चैनल को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।